हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्ले मेकर में। भाई आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द टीम, जिसके बारे में बहुत लोगों को नाम पता ही नहीं था इस टीम का, एंड ये टीम कौन से कॉन्फेडरेशन में बिलोंग करती है इसके बारे में पता नहीं था, इसकी रैंकिंग क्या है, क्या ऐसी भी एक टीम है या फिर ऐसी कंट्री है इसके बारे में ही पता नहीं था। भाई आज हम लोग बात कर रहे वनातु के बारे में। वनातु जो टीम है ये बिलोंग करती है ओएफसी कॉन्फेडरेशन, मतलब जो ओशिनिया कॉन्फेडरेशन है, ओशिनिया का जो फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उसमें ये बिलोंग करती है। ये अभी फिलहाल 164th रैंकिंग पे है। इनका कोच एक ब्राजीलियन है जिसका नाम है एमरसन अलकांट्रा, एक डिसेंट कोच है एंड अपने जमाने में एक डिसेंट प्लेयर भी रह चुके हैं, तो उनको पता है भाई ये इज वर्किंग ऑन द ग्रास रूट ऑफ वनातु ऑल्सो, एंड वो अपने जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनके साथ में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो इनका कैप्टन है उनका नाम है केंसी टैंगिस, जो कि एक मोस्ट कैप्ड प्लेयर्स हैं, एंड ऑल्सो ही इज अ यू नो क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही उम्दा प्लेयर है भाई। एंड जिनका टॉप स्कोरर है उनका नाम है रिचर्ड इवाई। तो भाई लोग इनकी टीम टू बी ऑनेस्ट एक डिसेंट टीम है, 164 रैंक में फीफा के रैंक में बैठती है, एंड अभी अभी इनको एक फुल ऑफिशियल फुल फ्लेज स्क्वाड यहाँ पे वो खिला रहे हैं, एंड अभी अच्छी रैंकिंग भी हो चुकी है उनकी। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग थी बैक इन 2007 जब वो 130 के रैंकिंग में पहुंचे थे, बट उसके बाद एक डाउनफॉल आया था वनातु के फुटबॉल में। तब वो जमाने में अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे, बट सडनली डाउनफॉल आने की वजह से उनको यहाँ पे एक नई टीम खड़ा करना पड़ा। तो यहाँ पे भाई ये मोस्टली ओशिनिया की टीम्स के साथ में खेलते हैं, जैसे फिजी हो गई, जैसे सोलोमन आइलैंड्स हो गया, जैसे न्यूजीलैंड हो गए, और भी ऐसे जो आइलैंड्स हैं उनके साथ में मैचेस खेलते हैं, एंड इनका परफॉर्मेंस बहुत ठीक ठाक ही रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड हाल ही में उन्होंने वनातु भी अपने खुद की वनातु भी एंड डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ में मैचेस खेले, उसके बाद में उन्होंने एक सेंट्रल कोस्ट मरीनर जो कि क्लब है ऑस्ट्रेलिया का क्लब है, एंड आप सभी को पता है जेसन कमिन वो क्लब से आता है, उनके साथ में भी एक फ्रेंडली खेले जहां पे 1-0 का इनको हार का सामना करना पड़ा भाई। ऑल्सो ये लोग अपने लोकल क्लब्स के साथ में बहुत सारे फ्रेंडलीज खेलते हैं, उसके बाद में अभी हाल ही में एक फिजी के साथ में फ्रेंडली खेला जिसमें उनको 2-1 से जीत मिली, यहाँ पे बहुत अच्छा यू नो मैच था। आप उस मैच का लुफ्त उठा सकते हैं, यूट्यूब पे यू नो लिंक मिल जाएगी आपको। एंड रिसेंटली वन मोर फ्रेंडली दे प्लेड अगेंस्ट सोलोमन आइलैंड जहां पे उनको 2-0 का हार का सामना करना पड़ा। सोलोमन आइलैंड एक बहुत ही डिसेंट टीम है इन कम्पेयर टू वनातु। तो क्या वनातु भाई कुछ यहाँ पे दंगल करके दिखाएगी इन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप, वो तो बस वक्त ही बताएगा, बट दे हैव डिसेंट प्लेयर भाई। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्ले इन देयर लोकल लीग। एक ऐसा प्लेयर है जो फिजी के लीग में खेलता है जिसका नाम एलेक्स है, वो फिजी के प्रीमियर लीग में सुआ नामक टीम में खेलता है भाई, बहुत ही डिसेंट प्लेयर है। एंड ऑल्सो दे हैव प्लेयर्स प्लेइंग इन देयर ओन लीग, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स। तो भाई आप लोग क्या सोचते हो, क्या वनातु अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएगा इंडिया के सामने, क्या इंटरकॉन्टिनेंटल कप में वो एक एक्स फैक्टर लाएगा, क्या वो इंडिया को हेल्प करेगा टू ट्रेन इन अ बेटर वे, तो ये मुझे जरूर इन कमेंट सेक्शन में बताना। आपके जो सजेशंस है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालना, बिकॉज आपके जो सजेशंस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में जो इंडियन फुटबॉल अभी तक फॉलो नहीं कर रहे भाई, ये वीडियो उनके साथ में शेयर भी करना, एंड इंडियन फुटबॉल की जो हमारी फैमिली है उसको हम लोग को बढ़ाने की कोशिश करना है, तो भाई अपने तरफ से ये आप कर देना। एंड डोंट फॉरगेट कि भाई आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं मंथली गिव अवेज देता हूं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद और जय भारत।